हम सब ने ये देखा है कि कटने के बाद भी छिपकली की पूंछ हिलती रहती है, लेकिन जब बॉडी पार्ट्स ब्रेन के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं तो शरीर से अलग होने के बाद भी ये पूंछ हिल कैसे सकती है? इसके पीछे की साइंस आखिर क्या है? देखो, सबसे पहले तो ये समझो कि शिकारी को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए छिपकली अपनी पूंछ को इस तरह से छोड़कर अपना बचाव करती है, लेकिन पूंछ टूटने से पहले छिपकली की बॉडी में मौजूद क्रेनियल नर्व्स इसकी पूरी बॉडी में सिग्नल्स ट्रांसमिट करती रहती हैं। जैसे ही छिपकली की पूंछ इसकी बॉडी से अलग होती है, वैसे ही पूंछ में मौजूद नर्व्स और मसल्स डैमेज होने से सिग्नल्स का कनेक्शन छिपकली की बॉडी में मौजूद क्रेनियल नर्व से टूट जाता है। इससे पूंछ में ट्रेवल हो रहे सिग्नल्स ब्रेकडाउन के बाद भी इस तरह से रैंडमली फायर होते रहते हैं और इसी वजह से ये टूटी हुई पूंछ इस तरह से उछल कूद मचाती रहती है। क्या आपको ये भी पता है कि ये पूंछ टूटने के बाद आधे घंटे तक इसी तरह से हिलती रहती है? क्या शानदार कनेक्शन है ना छिपकली और उसकी पूंछ का? ऐसा ही शानदार कनेक्शन है मेरा और मेरे 3D एनिमेशन कोर्स स्टूडेंट्स का। अगर आप भी ऐसी 3D वीडियोस बनाना सीखना चाहते हो तो पिंड कमेंट में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करो।